बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। वो रात वाला ख्वाब था, सच था, ख्वाब था, सच था। क्या बोली जा रही हो, बड़बड़ा के रही हो मुझसे? कुछ नहीं मामा। अच्छा चलो आओ बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मामा आज मेरा दिल नहीं है स्कूल जाने का। अच्छा भाई ठीक है ना, आ जाओ, कल चली जाना। और ट्वेल्थ निकाल दिए? हाँ मामा, मैंने सारे अपने ट्वेल्थ दे दिए हैं। पर सारे के बेटा मैंने आपको कहा था सिर्फ वही ट्वेल्थ देना जो आप जिससे नहीं खेलती। अरे मामा छोड़ो ना, मैं किसी से नहीं खेलती। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये ट्वेल्थ ले जाऊँगी। मैं जा रही हूँ, बाद में आती हूँ। ओके मामा। चलो देखती हूँ कि ये मैजिकल पेंसिल है या फिर नहीं। शीट, इस पे मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊं? अरे वाह, मैंने आइसक्रीम ड्रॉ की और आइसक्रीम आ गई। यम्मी, ये तो रियल है। चलो स्कूल चली जाती हूँ और सब बच्चियों को जाकर दिखाऊंगी इस पेंसिल का कमाल। लेट्स गो। आज मैं तुम लोगों को एक जादू दिखाऊंगी। जादू? हाँ जादू। चलो फिर दिखाओ जादू। अब मैं इस पेपर पे जो बनाऊंगी वो रियल हो जाएगा। रियल हो जाएगा? रियल? रियल कैसे होगा? चलो पहले लाइन बना लो और फिर लाइन लाइन से बोलना कि तुम लोग को क्या क्या चाहिए। ओह प्लीज़, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम और तुम्हारी फालतू बातें। ठीक है ना मांगो कुछ भी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे चाहिए एक फुटबॉल। फुटबॉल बनाओ। ठीक है बनाती हूँ। छू, देखो तुम्हारे हाथ में, ये फुटबॉल मेरे हाथ में कैसे आ गया? जादू, जादू। हाँ बकवास। चलो अब तुम्हारी बारी। मेरी बारी? मुझे ना एक पेन, पेन, हाँ पेन चाहिए। नहीं नहीं मुझे रेड परी बॉल चाहिए। ठीक है वो भी आ जाती है। चलो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हुई ड्रॉ। ओह वाह, अब तो मैं चैंपियन बन जाऊंगी इस गेम की, मुझे यही तो चाहिए थी। ये कैसे हो रहा है, ये भी बकवास है। अब मेरी बारी, मुझे चाहिए बैडमिंटन का सबसे हाई वाला यूनिफॉर्म। कितनी प्यारी लग रही है उन कपड़ों में, थैंक यू सो मच। अब मेरी बारी, मुझे एक बॉल चाहिए। मुझे शूज चाहिए। मुझे भी शूज चाहिए। देखो मेरे शूज कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ लगता है इसके पास रियल में ऐसी कोई चीज है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये कौन सी जगह है, तुम्हारा घर तो नहीं है? जो भी जगह हो तुम्हें इससे क्या? हाँ मुझे इससे कुछ नहीं है, पर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? बताओ इस पागल लड़की को, इसको क्यों बुलाया इधर? चलो सच सच बताओ कि वो कौन सी चीज है जिससे तुम रियल कर रही हो सब कुछ। ये पेंसिल और क्या? पेंसिल? बुद्धू समझ रखा है क्या मुझे? मैं सच बोल रही हूँ। चलो ड्रॉ करो उस पर कुछ जल्दी से। बल्कि से खींच कर लाओ ये। चलो काम करो। दो दो पेंसिल, छोड़ो छोड़ो मेरी पेंसिल, ये मुझे फैरी ने दी थी, छोड़ो। ये लो। लाओ दो। अब मैं बनाऊंगी इस पे एक सोने का दरख्त। ये आ क्यों नहीं रहा है? जब प्रियंका सोने का दरख्त ड्रॉ करती है तो वो नहीं आता। पकड़ो, अब जो मैं कहूंगी वही बनाना। और फिर अवंतिका उसी परी की शक्ल बनाती है क्योंकि उसे परी की बात याद होती है। अरे फरी आप आ गए, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो गरीबों की मदद करना चाहती थी। अरे हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना मैं आऊँगी अगर तुम किसी मुसीबत में होगी। और प्रियंका तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पास तो पहले से इतने पैसे हैं, तुम क्यों चाहती हो कि तुम इनकी ये उनकी मदद भी ना करें किसी और की? हाँ मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए और मैं बहुत ही चीज़ें लेना चाहती हूँ और ये मेरे से कम रहनी चाहिए। ये बात गलत है, हमें किसी को भी अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए। ठीक है अब तुम्हें जो चाहिए तुम बता दो, और अगर तुम इस तरह से इसको तंग करोगी तो तुम जो भी बनाओगी इस कॉपी पे पेंसिल से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि हो सकता है कि मैं तुम्हें गायब करके जिनों वाली जगह में फेंक दूँ।
अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना जिनों की जगह पे। हाँ फिर आज से याद रखो, किसी को भी अपने से नीचा मत समझो। हाँ ठीक है ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने हमें कभी भी अपने से नीचे को अजियत नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसका ख्याल करना चाहिए।